हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड में एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बीटेक कर रखा है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम इसका ऑफिशियल साइट पर हैं, यहाँ पे आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, लिंक पर क्लिक करके आप भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो पहला काम है एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना और उसको वैकेंसी डिटेल्स क्लियर करना कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, कितना इसका फॉर्म फीस है, सारा चीज। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने से पहले एक बात और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मतलब बीटेक आप किए हैं, पॉलिटेक्निक किए, आईटीआई किए, आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं, एई का प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप सभी को टेक्निकल की हर प्रकार के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से अपडेट होते रहें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, लिंक पे क्लिक करके आप भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि कैरियर दिख रहा होगा, ठीक है, कैरियर दिख रहा होगा, और जैसे नीचे चलेंगे तो एक नोटिफिकेशन करके दिख रहा होगा आप सभी को, नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन TSNPDCL ऑन। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम कर लेते हैं डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो रहा है, प्लीज 2 सेकेंड वेट। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन आप सबके सामने खुल रहा है। तो नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड विद्युत विभाग कॉर्पोरेशन ऑफिस बेंगलोर नोटिफिकेशन नंबर, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो चलिए हम बात करते हैं इसका डेट की, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट की। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑफ ऑनलाइन फीस ऑनलाइन, तो 27/6/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। अब कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो 11/7/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। मतलब आज आप सभी का 25 तारीख, परसों आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा, और कब तक भरा जाएगा, 11/7 नेक्स्ट मंथ के 11वें तारीख तक भरा जाएगा फॉर्म, ठीक है। और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट फॉर्म 6/8/2022 को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सबका एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन 14/8/2022 को आप सभी का एग्जाम भी हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पे देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट और उसके बाद एग्जाम होने का डेट दोनों यहाँ पे दे दिया गया है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए, तो वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आ रही है। अगर इसमें बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो टोटल 82 पोस्ट निकल के आ रही है, जिसमें से LR की 4 पोस्ट और GR का 78 पोस्ट। तो अगर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट की बात करें, तो 18 से लेकर 44 साल इसका मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा छोटी सी बात, LR का मतलब होता है लिमिटेड रिक्रूटमेंट और GR का मतलब होता है जनरल रिक्रूटमेंट। तो अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई जब किया करिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि GR से जनरल रिक्रूटमेंट की संख्या ज़्यादा है, 78 पोस्ट है, जबकि LR का ओनली 1-4 पोस्ट है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो फॉर्म को भरते वक्त आप लोग फॉर्म GR से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, LR से रहने दीजिए, क्योंकि देखिए GR में सभी आएंगे, मतलब आप अगर LR में आ भी रहे हैं तो भी आप GR से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बस होगा क्या कि आप सबका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट नोटिस की चलिए बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट आप सभी का असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो मस्ट पोसेस ए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय द अंडर ए सेंट्रल एक्ट, प्रोविजन एक्ट और ए स्टेट एक्ट। तो देखिए, आपका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, ठीक, ये प्योर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की वैकेंसी है। तो एज लिमिट तो हम बता ही दिए हैं, 18 से 44 के बीच में आपसे एज लिमिट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो ईच एप्लीकेशन मस्ट पे 200 रुपीज। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो 200 रुपये लगेगा पर कैंडिडेट का। अगर आप अदर कास्ट के स्टूडेंट हैं, जिससे कि बिलोंग करते हैं SC से, ST से और PS से, तो आप सभी का 120 रुपये लगने वाले हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए, सेंटर फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन, तो सभी का सेंटर कहाँ जा सकता है रिटेन एग्जामिनेशन का, तो द रिटेन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विल बी हेल्ड एट डिफरेंट सेंटर लोकेटेड इन द GHMC एरिया, ठीक। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप सारा चीज़ें मैंसन है, तो इसको थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप लोग इसको देख सकते हैं और चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो आगे चले देखते हैं, जनरल प्रोविजन, इंस्ट्रक्शन फॉर द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर, तो ये सब सिग्नेचर मतलब फोटो सिग्नेचर का साइज वगैरह कितना होना चाहिए, सब सारा चीज़ मेंशन है। तो एक चीज़ और छूट रहा है कि आप सबका पर मंथ सैलरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि सबके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि यार किसी भी वैकेंसी का सैलरी कितना मिलेगा, ठीक। तो वो हम बता देते हैं, वो क्लियर कर देते हैं, वो भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, ठीक। तो थोड़ा सा बस नीचे चलना पड़ेगा,
तो देखिए सैलरी, टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, तो स्केल ऑफ पे, सैलरी जो मिलने वाला है स्टार्टिंग हम बात कर रहे हैं 64,295 रुपये आप सभी को सैलरी मिलेगा। इसमें ये सब जो दिख रहा है आप सभी को बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है और यहाँ पे लिखा नहीं है कि हाँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन ओवरऑल हम बता रहे हैं कि आपको जो सैलरी स्टार्टिंग मिलने वाला है पर मंथ 64,295 रुपये मिलेगा। ठीक, तो चलिए बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं जितना भी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड वो हम दे चुके होंगे, अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करिएगा, उस तरह प्रयासों को जरूर मिलेगा। तो लास्ट में स्टूडेंट्स यही कहना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे थे, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट होकर, मतलब बीटेक के, पॉलिटेक्निक के, आईटीआई के, जेई के प्रिपरेशन करते हैं, ए के प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी को जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी रहती है उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट, रिक्रूटमेंट सब आप तक इन्फॉर्म होता रहे। चलिए आज के लिए बस इतना, बाकी मिलते हैं नए टेक्निकल वैकेंसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।